हनी गई मॉल में। घूम के आ रहे हो? अनीता को देखिए, ये छत में बैठे हुए गाड़ी के। ये वानी है, शर्मा रही है अभी तो। अनीता है, अनीता भी आई है घूमने आज इवनिंग वॉक में। बड़ी मुश्किल से ले आया हूँ खींच खींच के। दोस्तों, अनी के लास्ट ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आए हैं अनी को लेकर घूमने। अनी और अनी की दोस्त, मैं और अनी की दोस्ती की छोटी सी बेटी है बानी। तो हम लोग अभी इवनिंग वॉक में आए हैं। आज संडे का दिन था तो टाइम मिल गया हमको घूमने का। दोस्तों, छत में बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पर मॉर्निंग पर पहुँचे हुए हम। तो यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग पे हैं। दोस्तों, मॉर्निंग पे है डोवल माल रोड अल्मोड़ा। तो यहाँ पर हम अभी नाश्ता करेंगे। दोस्तों, ये नज़ारा है मॉर्निंग फूड वैन के छत से आपको दिखा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए लोकेशन, ये कस्टमर काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। कोई मोमोज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। यहाँ पर एनी भी बैठी हुई है। देखिए अनीता को देखिए, ये छत में बैठे हुए गाड़ी के। ये वानी है, शर्मा रही है अभी तो, अभी नींद में ही है। अनीता है, अनीता भी आई है घूमने आज इवनिंग वॉक में। बड़ी मुश्किल से ले आया हूँ खींच खींच के। पनीर, पनीर मोमो। अनीता तो आज कैरी में हल्का खाऊंगी, वह सूप। और मैंने किया है ऑर्डर, क्या बोलता हूँ मतलब भूल जाता हूँ, अफगानी चिकन मोमो। मेरा तो चिकन अफगानी मोमो आ चुका है, आप लोगों का नहीं आया अभी। अब ये कहाँ से आगे होंगे, यहाँ पर जगह ही नहीं है बैठने के लिए। पता नहीं इतने लोग और आगे, देखो क्या कर सकते हैं। कैसा हो रहा है? अब दोस्तों, इनको मॉर्निंग की लत लग गई है। देखिए वह सूप, अफगानी मोमो खा रहे हैं कभी, और कभी खा रहे हैं पनीर मोमो। ये देखिए, सभी लोग यहाँ पर, काफ़ी लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड लगा है कहाँ कितना किलोमीटर है, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा दोवर माल रोड का प्राकृतिक नज़ारा। शाम हो रही है, देखिए ट्रैफिक चल रहा है। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, कोई घूम रहे हैं। और देखिए, ये किलोमीटर बोर्ड है ट्रैफिक का, यहाँ देख के आप इधर उधर जा सकते हैं। आज अनी को इवनिंग वॉक करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। हाँ, रोज जल्दी आ जाएगा ड्यूटी से मुझे घुमाने के लिए। कैसे आएंगे रोज अब? आपको कैसा लग रहा है आज इवनिंग में घूमते हुए? मॉर्निंग में तो रोज घूमते हो। मुझे? हाँ, मेरे पैरों में दर्द हो जा रही है तुम्हारे साथ चल के। इनके साथ चल के मेरे पैरों में दर्द हो जा रही है। दोस्तों, हम तो तेज चलने के आदी हैं और इनके साथ चल चल के मेरे पैर थक गए हैं। रोड पर काफी लोग घूम रहे हैं इवनिंग वॉक। बानी कह रही है कि अनीता आंटी रोज रोज मोमो खाती है, आज ही नहीं खाई आज। आप मिस्टर आए हैं करके नहीं खाए बल। बताओ, बता रही है तो बानी है। देखो बानी कैमरे में आने के लिए बहुत शर्मा रही है। देखिए शर्म आ रही है। देखिए दोस्तों, बानी थक गई है, स्कूटी में बैठी। देखो बहुत थक गई बेचारी, दोनों थक गए माँ बेटियाँ। अनी गई मॉल में। घूम के आ रहे हो? अनी शॉपिंग कर रही है, क्या ले रहे हो साहब? दोस्तों, आज अनी बहुत खुश है। आज संडे का दिन था तो हम सुबह उठे। उठने के बाद इधर ही नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया,
फिर मैं ड्यूटी चला गया था, जल्दी जाना था ज़रा। फिर आने के बाद अनीता ने खाना बना के रखा था, आया खाना खाया, उसके बाद घर के सारे काम थे, कुछ अनीता ने किए कुछ मैंने किए, और बस संडे को दोस्तों काफ़ी काम हो जाता है। अनीता ने भी खूब काम किया आज, आपसे कम लेकिन आपने ज़्यादा किया। अब अनीता का भी काम करने के दिन आ रहे हैं, जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा वैसे वैसे काम करते रहेगी। काम नहीं, आराम करने के दिन। काम बहुत कर लिया। तो दोस्तों आज बहुत मजे आए। फिर शाम को दोस्तों आज हम गए थे घूमने अनीता को। अनीता रोज अकेले जाती है, कभी पूजा मैडम के साथ जाती है, तो मुझसे कह रही थी आज चलो घूमने। मैं तो सोया था, मैं थका हुआ था। एक बड़ी मुश्किल से तो एक दिन मिलता है, एक दो घंटे रेस्ट करने को मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मैं आपको वहाँ पार्टी दूंगी। तो दोस्तों फिर यहाँ से हम चले गए, जाते 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 बस वही आगे तक 2-3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। दोस्तों गए, फिर वापसी में क्या खिलाया? मोमोज। आज मुझे पार्टी दी इन्हें, खिलाया मुझे अफगानी मोमो और खुद पिया सूप। दोस्तों डर के मारे, क्योंकि चूँकि मुझसे खुद कहती है कि फास्ट फूड नहीं खाना है। आज मैं गया, रोज़ मोमो खाती है। बानी ने रोज़ बोल रखा है, आज भी बोला बानी ने, छोटी छोटी बच्ची है दोस्तों पूजा मैडम की, उन्होंने कहा कि अनीता आंटी रोज़ मोमो खाती है, मुझसे शिकायत की आज, ठीक है। लेकिन आज वहाँ पर भाई साहब सूप पी रहे हुए हैं, सूप। मैंने डर के मारे नहीं खाए नहीं है, मैंने आज खाना लेट खाया ना, 3 बजे खाना खाया था तो भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सूप पिया। एक दिन मॉर्निंग को गई थी। एक दिन इवनिंग आ गई। अब पता नहीं क्या कल से क्या होता है, नहीं मालूम। मुझे कल से वानी को मत लेके आना, वानी मेरी बहुत शिकायत कर रही है ना आपसे। करना चाहिए दोस्तों, बच्चे जो है सच बोलते हैं, बच्चों के बच्चे सबसे बड़े विटनेस माने जाते हैं, तो बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनके सामने शैतानी नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ बता देते हैं। मैं आपको बता तो देती हूँ, घर आके आज मोमोज खाए, आज ये खाया करके मैं बताती हूँ। अच्छा दोस्तों, बानी छोटी सी बच्ची है 4 साल की, उसने आज एनी की क्लास लगा दी मेरे सामने, मेरे को शिकायत कर दी कि रोज फास्ट फूड खाती है, आपको बताती नहीं बताती आंटी। मैंने कहा मुझे तो नहीं बताया, तो मैंने उसके बाद एनी की क्लास ली। तो सासू माँ भी आने वाली है एक दिन में, अब पता नहीं कब आते हैं, सरप्राइज देंगे कह रहे हो तो, है ना? सासू माँ कह रहे हैं सरप्राइज देंगे, लेकिन बता नहीं रहे कब आएंगे। दोस्तों मेहमान जो घर में हूँ, हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी हूँ मेहमाना सेवा करना, क्योंकि मेहमान जो है भगवान का रूप होता है, किस रूप में आता है किस रूप में नहीं आता है, इसलिए जो भी मेहमान आता है कभी भी अपने मम्मी पापा मेहमान थोड़ी होते हैं, नहीं मेहमान तो मेहमान है, अपने घर में जो है मेहमान है, हम लोगों को छोड़ के हम दूसरे घर में जाते हैं, कल किन तो वो भी कह देंगे दामाद है, मेहमान थोड़ी है दामाद है। भाई घर में जो अतिथि आता है तो वो मेहमान ही होता है। सेवा करती कहाँ है, सेवा तो हम करते हैं उनकी, ये तो हाथ में हाथ रह के बैठ जाए दोस्तों, घुन में घुन मिला के फसल जाल, वो बोलते हैं घुनगुनी फसल लोगो ना पहाड़ में मर, वो घुनगुनी फसल लगा दिए के कंधे में दोस्तों, चाले मिले दिन में सब चीज हमने कंधे बस, या तो खुद अनीता को कल दिखाने जाना है, पिछले मंडे को गई थी, अब कल मंडे को फिर डॉक्टर ने बुला रखा है। दोस्तों एनी क्लास फैमिली में एक मेहमान और आने वाला है, आप लोगों का सभी आशीर्वाद दें। हॉस्पिटल जाना है, चेकअप कराना है, उसके बाद परसों की ब्लॉग में आपको कल की अपडेट दी जाएगी। दोस्तों आज पेट भर रखा है, क्या खाया खाना? मैं तो कुछ नहीं खा रही, आप क्या खा रहे हो? हम तो कुछ स्पेशल खाएंगे, हम तो बिना खाए शाम को सोते नहीं है दोस्तों। शाम को पहाड़ में किस्सो हो ब्याह एयर रोड खाना हो तो खान छो, न जी टूट लग जाए दोस्तों। ऐसा है बानी ने शिकायत कर रखी है, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, आई एम सीरियस, ठीक है आई एम सीरियस। बानी ने शिकायत कर रखी है दोस्तों, अगर कल से फास्ट फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड अगर कल से अनीता ने खाए तो बानी मुझे बता देगी। उनने कह रखा है मोमो, अनीता आंटी रोज मोमो खाती है, तो मैंने सख्त हिदायत दी है कि फास्ट फूड ये मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, इससे पेट में जो है दोस्तों क्या होता है पेट में क्या होता है फैट बढ़ता है दोस्तों, फालतू की चर्बी लगती है और लीवर डैमेज होता है, कई चीज़ें होती हैं, इसलिए हाँ हफ्ते में एक दिन छूट है दोस्तों। रोज़ घूमने जा रहे हैं शाम को, काम धाम कुछ है नहीं, ड्यूटी है नहीं,
चल देने शाम को घूमने और आते समय दे बसा बस। रोज थोड़ी खाते हैं फिर दोस्तों देखिए रोज मोमो नहीं खाते हैं, स्प्रिंग रोल खाएंगे और मेह कॉल डबल दो डबल दो जे मेरे खाली हो रही है और फास्ट फूड यहाँ पेट भर रहा है, ये बहुत गलत बात है। कल से दुगने पैसे देने आपके लिए भी ले आऊंगी। मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ आजकल, अनी के चक्कर में मैं ज्यादा खा रहा हूँ क्योंकि अनी कभी ले आ रही है कभी मुझसे मंगा ले रही है, इसलिए मैं दोस्तों में मना भी नहीं कर सकता क्योंकि आजकल कंडीशन ऐसी है। वैसे ये बात सही है, आप बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाते थे ना, मैंने इसे खाया आपको। मैं नहीं खाता था दोस्तों, मैं पहले खाता था जब स्कूल पढ़ते थे तब खाता था, लेकिन मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए हैं, मैंने बिल्कुल ज़्यादातर अवॉइड कर रखा है, लेकिन अनीता के चक्कर में ही मैंने आजकल खा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं अकेला तो खाता नहीं, अब साथ में खाया जाता है तो क्या करें, इसलिए सख्ती हिदायत है, बानी मुझे शिकायत कर देगी, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों अनी तो खाना नहीं खा रही है, एक गिलास दूध घी और शहद के साथ अनी का खाना हो गया शाम का। मैंने बना रखा है बहुत स्पेशल दोस्तों, आज संडे का दिन था और दिन तो समय होता नहीं हमको, संडे को थोड़ा समय मिल जाता है क्योंकि रेसिपी बनाने में खाना बनाने में दोस्तों जब मैं खाना बनाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करता मैं, अच्छे तरीके से बनाता हूँ तो समय मुझे बहुत लगता है। आज मेरे पास समय था इसलिए मैंने काली मिर्च चिकन बनाया है, काली मिर्च चिकन बनाया था उसकी मैंने रेसिपी अलग से दी है, आप रेसिपी जरूर देखें, काली मिर्च चिकन बहुत शानदार तरीके से बना रखा दोस्तों, होटल रेस्टोरेंट फेल भाई, इधर बढ़िया तरीके से इधर आइटम डाल लो इधर चीज़ डाल लो दोस्तों, तुम लोग अब खाना में भरे मजा, तुम अंगूठी चाटते रह जाला आंगो झन काटिया बहुत रह जाला, कमेंट जरूर करिया दोस्तों। आजकल तो हम दो ही लोग हैं तब भी इतना गुनगुनाते रहते हैं कॉमेडी करते रहते हैं, सासू माँ आ जाएगी फिर देखना आप, ऐसे रहती है ऐण कहती है कात कहती है कहानियाँ कहती है जैसे पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं, बहुत गुनगुनाते रहते हैं दोस्तों, अभी आने दीजिए कैसे ब्लॉग बनते हैं मज़ा ही आ जाएगा आपको। आजकल तो फोन कर करके बड़ा परेशान कर दिया यार घर वालों ने। किसने? तुम्हारी मम्मी ने? मेरे घर से भी, मतलब दोनों घर मेरे ही हुए मम्मी पापा सास ससुर सब बड़ा इरिटेट कर दिया मेरे को, तो हो गया कब निपटा रहा हो, रोज पांच पांच छह छह बार फोन आ जा रहे हैं, ठीक हो तबीयत ठीक है तबीयत ठीक है, मैंने क्या हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। देख लो दोस्तों अगर सास ससुर एक दिन फोन नहीं करेंगे ना दोस्तों, आजकल तो फोन ही नहीं आ रहा है, सास ससुर क्या मम्मी पापा भी इतना फोन कर दे रहे हैं मेरे को, क्या बताऊं ये है आजकल बुआ ने हिसाब किताब और बहनों के फोन अलग आते हैं, तो ठीक है दीदी ठीक है ऐसा तो नहीं हो रहा वैसा तो नहीं हो रहा, मैंने कहा जब मुझे कुछ होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, इरिटेट मत करो यार मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ अब मत और करो। ये आजकल खान खबर अगर ली जा रही है तो तब परेशान, फोन नहीं करते एक दिन तो कहते हैं आज तो ससुर जी का फोन ही नहीं आया, आज तो सासू माँ का फोन। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ कि क्यों नहीं आया कॉल करके, इसलिए ठीक है उनको टेंशन हो रही बेचारों को, सही है होना भी चाहिए, फैमिली है दोस्तों फैमिली का ध्यान रखना हमारा ही काम है, फैमिली का ध्यान फैमिली रखती है, बाहर वाला कोई नहीं रखता है, बाहर वाले तो सिर्फ जो आपके दोस्त हैं सके संबंधी हैं जो आपका सम्मान करते हैं जो आपको पूछते हैं जिनका आपने सुख दुख में काम किया है तो वही आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी फैमिली ही सपोर्ट करेगी आपको, हमेशा फैमिली ही अपनी होती है, सुख दुख में फैमिली ही काम आती है दोस्तों। समय काफ़ी हो चुका है 9:15 बज चुका है रात का, अभी अनी ने कुछ नाश्ता भी करना है क्योंकि अभी सूप पचानी है तो थोड़ा नाश्ता करना है, और मेरा तो हो चुका है मैंने काली मिर्च चिकन 2 टुकड़े खा लिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि पेट तो अपना ही है, रात को सोना है, ये चर्बी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, और सुबह फिर रनिंग में भी जाना है वॉक भी करना है एक्सरसाइज करनी है, आप मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।